अरे यार, ऑन ऑफ अफेयर का को लगता है मैप पे ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते हैं अपने ऑन ऑफ अफेयर का को मैप पे। क्या बकचोदी है बे, लाइट क्यों ऑन कर दी है? अरे यार, वो मैप में ऑन ऑफ अफेयर का ढूंढ रहे थे। तुम मोबाइल में नहीं देख सकते हो? नहीं यार। क्यों यार, छोटा दिखता है तो मजा नहीं आता है। रात के 2 बज रहे हैं भाई, सो जाओ और सोने दो। भाई, सोने से यूपीएससी निकल जाता ना तो हम भी सो जाते। हाँ तो दूसरों को जगाने से यूपीएससी निकल जाएगा? हाय लगेगी तुम्हें। अभी हम उठ के पढ़ने लगेंगे, तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। हाँ हाँ भाई, तुम सो जाओ, हम देख करके होने फिर काम भी सो जाएंगे। सो जाओ, तुम सो जाओ। तो ये है श्रीवास्तव जी, इनका एक ही सिद्धांत है कि पहले अपने कंपटीटर को हटाओ और फिर खुद कंपटीशन में बने रहो। कंपटीशन से इनका कंपटीशन बाद में है और अपने कंपटीटर से इनका कंपटीशन पहले है। तो कहाँ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये यस। तो ये रहे हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या भाषण मचा के रखे हो भाई? करेंट अफेयर का टाइटल देख के सविता भाभी का कहानी चेप दिए और फिर बोल रहे हो गलती से चला गया। हाँ तो गलती से चला गया होगा। तुम ये सब कब से पढ़ने लगे? सब जानते हैं हम, बहुत निम्न कोटि के आदमी हो तुम। सबको सविता भाभी का कहानी पढ़ा रहे हो और खुद बैठ के लैंड ब्रिज सी ब्रिज पढ़ रहे हो। हाँ तो मेरा कंपटीशन ऐसा ही होता है, जिसको मन होगा ना वो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेगा, बैठ के कहानी नहीं पढ़ेगा। भटका रहे हो तुम। भटका नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं। तुम इतना गाय भड़क रहे हो बे, तुमको तो सब पता है। तुम्हारी वजह से 1 घंटा मेरा बर्बाद हो गया है। बेटा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो चीज ही वैसी है। एक बात और, एम पे फोकस रखो, फिर कभी नहीं भटकोगे। और हाँ, बैठ के पढ़ाई करो। ओहो, तो जी ईद के चांद उज्जवल बाबू, इधर कैसे? तो सब्जी लेने निकल गए। अच्छा, ओह कैमरा लगा हुआ है। हम भी कुछ कह दे गया। कर दो। ए भाई, कैमरा सामने ला। तो आपके लिए आईपीएल में लीगल प्रेडिक्शन करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढे हैं मेलवेट इंडिया, जहां आप हमारा वायरल 100 का प्रोमो कोड यूज करिएगा तो 130% का बोनस मिलेगा। हाँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए मेलवेट रजिस्टर करिए और पैसा वैसे कमाइए। और हाँ, इसमें कॉन्टेस्ट हमेशा होता रहता है, तो जीतिए, पैसा वैसे कमाइए। अरे रिकी भाई, क्या हालचाल है भाई? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया कैसे चल सकता है? क्यों नहीं, मतलब रात में तो मच्छर काटता होगा, दिक्कत होता होगा पढ़ने उड़ने में। हाँ बात तो सही है, रात में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन दिन में पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, फिर ठीक है, हम भी रात में नहीं पढ़ पाते हैं, मच्छर काटता है, लाइट कटता है, हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो
अच्छा भैया एक काम कीजिए, बैगन आलू हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए, इनसे हमको दे दीजिए, पहले हमको फट से घर जाना है। पहले तो ये आए थे ना भैया। अरे ये हमारे भाई हैं, भविष्य के आईएएस हैं, इनको बुरा क्यों लगेगा, क्यों रुकी जी? नहीं नहीं नहीं, हम आईएएस हैं, भविष्य के आईएएस हैं, दे दीजिए हमको, हम बुरा नहीं मानेंगे। हमको दे दीजिए, हम चलते हैं। सॉरी भाई, थोड़ा जल्दी में मिलते फिर, ठीक है? हमको तौल दीजिए। हेलो। हाँ उज्जवल, तेरे पास हिस्ट्री के नोट्स है क्या? नहीं नहीं है भाई। तू मुझे मना कर रहा है, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। नहीं भाई अभी बस बना ही रहा है। अच्छा सुन ना, मैंने दिल्ली से ज्योग्राफी का नोट्स मंगाया है, तब तो तू ज्योग्राफी का पढ़ना और मुझे हिस्ट्री का दे दे। ओ अब तो तुम मुझसे खेल खेल रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम कर भाई, और हाँ सुन ना, ज्योग्राफी के नोट्स के साथ साथ ना कुछ खाने के लिए भी ले जाना। हाँ हाँ। तब भाई कब आए गाँव से? अभी कुछ दिन पहले। अब वैसे तुम कब जा रहे हो गाँव? छठ में जाएंगे। क्यों भाई इतना कटा कटा से क्यों रहते हो तुम हमसे? मतलब? मतलब ये, हम तुमको कितनी बार मैसेंजर पे एसएमएस किए और तुम एक बार भी रिप्लाई नहीं किए। गंवार आदमी है ये, इनको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, ये दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और खुद बैठ के पढ़ते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं? हम करते हैं डिस्ट्रैक्ट? चलो हम करते हैं। तो फिर तुम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो? और हाँ, क्यों करे वो सोशल मीडिया यूज़ तुम्हारा, मिलता है क्या उस पर? साला देखने कुछ और जाते हैं और देखने कुछ और लगते हैं। एक बार साला फोन उठाते हैं तो 3-4 घंटा ऐसी बर्बाद हो जाता है। अब सुनो असली बात, लोग अपने एम और अपने लक्ष्य से खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो जो सुन रहे हैं, वो जो कर रहे हैं या वो जो देख रहे हैं, उनसे उनके करियर पर क्या योगदान पड़ता है। और अब जब लोग ही नहीं सोचते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या करें, तुम्हारी तरह सब किताबी कीड़ा बन जाए और किताबें में घुसा रहे। अरे भाई लाइफ में ना सब करना चाहिए। तो करो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले वो करो जिसके लिए घर वाले तुम्हारे लिए महीने का पैसा भेजते हैं, जिसके लिए तुम बैठकर मुझसे बहस कर रहे हो। समय का कीमत समझो, समय तो निकल ही रहा है, अब कुछ करो या ना करो तो इससे अच्छा है कि कुछ करके समय निकालो। लेकिन भाई हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है तुम्हारी। और हाँ, आज रात के खाना खा के सो गए ना, तब बताए ये लो हिस्ट्री के नोट्स, और हाँ फोटोकॉपी करा के भेज देना हमको, बहुत मेहनत से बनाए हैं। अल्लाह ज्योग्राफी के नोट्स। बहुत सेल्फिश हो गए तुम। क्या करें, लाइफ में कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, फीडबैक दे दें, और हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाए, BTS और फोटोज वगैरह आपको मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू रहेगा।